साथियों नमस्कार। यदि आप UPTET CTET की तैयारी कर रहे हैं तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में दिया गया है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो यह भी विलियम जेम्स हैं। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो यह भी विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो यह भी विलियम जेम्स ने दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हैं थॉर्न डाइक। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी थॉर्न डाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी थॉर्न डाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी सिद्धांत थॉर्न डाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्न डाइक ने दिया। SR थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता? थॉर्न डाइक को कहा जाता। अधिगम का बंद सिद्धांत थॉर्न डाइक, अधिगम मतलब होता है सीखना। संबंधवाद का सिद्धांत यह भी थॉर्न डाइक ने दिया था। प्रशिक्षण और अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी सिद्धांत थॉर्न डाइक ने दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्न डाइक ने। विनिशाइमन बुद्धि सिद्धांत या विनिशाइमन बुद्धि परीक्षण, तो नाम से ही विनिशाइमन, तो यह किसने दिया? विनिशाइमन ने। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विने। एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? विने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्वीपरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्वीपरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो स्वीपरमैन है। सबसे खास बात यह है कि जो भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो उन्हें क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? स्वीपरमैन ने। तिर आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया था। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्टन थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन। सम दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव। न्यायदर्श व प्रतिदर्श घटक या वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमसन ने। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वर्ट एवं वर्नन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RV कैटल ने दिया था। प्रतिकारक विशेषक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था RV कैटल ने। बुद्धि का और खा का सिद्धांत ई हैब ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत थर्स्टन एवं जॉनसन ने। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र हैं, या कहा जाए कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक तो विलियम थर्स्टन हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो ये हैं विलियम बुंट। अगला आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो यह भी विलियम बुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता तो विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता? पॉपोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। अगला आता है कि सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव ने।
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलाव ने। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोविच पावलाव ने। फिर बलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सी एल हल ने। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी सी एल हल ने। अगला है सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल ने दिया था। अगला है संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल ने दिया। चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? सी एल हल ने दिया। अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो ये कोहलर ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर और कोफा ने दिया था। कोहलर ने चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत के जनक कोहलर, वर्दीमर, कोफा। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? लेविन ने दिया था। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता सम प्रत्यय के प्रतिपादक थे लेविन। अगला आता है समीप संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने। शाइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? डेविल आशुवेल। यह जो वीडियो है यदि आप आंखें बंद करके भी सुनेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अगला आता है भाषीय सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वार्फ हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो जोहन वी वॉटसन हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। अगला आता है सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक तो अल्बर्ट वांडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्टेनली हॉल ने। अधिगम शोपानकी के प्रतिपादक गैने। विकास के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया था। और अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिग हॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जीरोम व्रूनर। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जीरोम व्रूनर। अगला आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सी एच जड़ ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता? वॉल्फ को। और अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत वागले ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की ने दिया था। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, या मास्लो भी बोल सकते हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो ने दिया था। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलैंड ने लिया था, मैकलैंड। प्रोत्साहन का सिद्धांत बुल्स वा कॉफमैन ने दिया था। सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी मुरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन मुरे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके